brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. खतरनाक लड़ाकू ड्रोन के लिए भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसा लड़ाकू ड्रोन बनाया है जो अमेरिकन मेड MQ-9 ड्रोन से भी घातक है। भारत का ये स्वदेशी ड्रोन FWD-200B के नाम से जाना जाता है और ये MQ-9 की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता लेकिन फीचर में बेहद एडवांस है। साथ ही साथ इसके अंदर कई ऐसी खूबियां हैं जिसकी मदद से ये कई लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और छोटी मिसाइलों को अपने साथ लेकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे बनाया है और अगर इसकी खूबियों की बात करें तो ये ड्रोन कई सारे हथियारों को आसानी से लेकर उड़ सकता है। दुश्मन के ठिकानों पर ये हमला करने में सक्षम है। इसकी मदद से दुश्मन के किसी भी ठिकानों पर नजर भी रखी जा सकती है। रिमोट कंट्रोल यानी कि इसे एक जगह पर बैठकर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मॉल मिसाइल और कई एक्सप्लोजिव अपने साथ लेकर ये उड़ सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे सेंसर्स और कैमरा लगे हैं। ये ड्रोन दुश्मन ठिकानों को आसानी से स्कैन कर उस पर हमला कर सकता है। FWD-200B के आने से भारत को और बल मिलेगा। FWDA के संस्थापक श्री सुहास ने खुद ये बात कही है कि इस UAE में भारत की वायु रक्षा रणनीतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। अनमैन एरियल बॉम्बर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि इस ड्रोन के पेलोड और ऑपरेशनल रेंज का खुलासा नहीं किया गया। बहुत सी जानकारियां अभी भी गुप्त रखी गई हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा, क्योंकि इससे पहले हर जगह चर्चा थी अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की। भारत और अमेरिका के बीच लगभग 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 300 करोड़ रुपए कीमत के 31 MQ-9B ड्रोन की डील हुई। इस पैकेज में कई तरह के सेंसर्स और मिसाइल भी शामिल है। इस डील में भारत को सटीक निशाने वाली युद्ध सामग्री, उन्नत सर्विलांस उपकरण और MQ-9B एयरक्राफ्ट के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अब देखा जाए तो भारत का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इन सब की मदद से भारत निगरानी और पेट्रोलिंग कर सकेगा। ऐसे में अमेरिकी MQ-9B के साथ साथ भारत का स्वदेशी FWD-200B भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।